अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर के दौरान जिला प्रशासन गया के द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन के लिए आम जनों में जागरूकता के उद्देश्य से महिलाओं के द्वारा स्कूटी रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली में महिला हिंसा उन्मूलन जागरूकता हेतु 5 रथों को भी शामिल किया गया, जो हरी झंडी दिखाने के उपरांत समरालय से निकलकर गया शहरी क्षेत्र में पूरे दिन भ्रमणशील रहकर जागरूकता का कार्य करेंगे। उक्त अवसर पर जिला पदाधिकारी गया द्वारा बताया गया कि महिला एवं बाल विकास निगम के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा के तहत पूरे जिले में कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं एवं इससे संबंधित गतिविधियां कराए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं एवं लड़कियों सुरक्षित रहे। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार तत्पर है और प्रयासरत है कि विदित हो कि जिला में दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा इस हेतु सभी संबंधित विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके आलोक में लगातार विभिन्न गतिविधियां एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार इस विषय पर कार्य किए जाने तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी चिन्हित कर किए जाने की जानकारी दी गई। घरेलू हिंसा तथा अन्य लैंगिक हिंसा के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा और अन्य कृतियों से संबंधित विभिन्न कानून बनाए गए हैं कि जिसका पूर्ण लाभ उन्हें मिले, इससे हेतु जागरूकता कराया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला समन्वयक NNM महिला परिवेक्षिका जिला परियोजन प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम गया वन स्टाफ की केंद्रीय प्रशासिका परामर्शी उपस्थित थे। घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता अभियान के पखवाड़ा के तहत जिले में कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें घरेलू हिंसा विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करना है और अपने हक के संबंध में और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो प्रणाली है, इसके संबंध में भी लोगों को जागरूक करना, ताकि ऐसा कोई घटना होने पर कहां पर किस स्तर पर अप्रोच करना है, उसके लिए क्या निदान किया जा सकता है और कैसे उनको लीगल एड जैसे कानूनी प्रक्रिया में आने के बाद उनको मदद किया जा सकता है और अपने जो सामान्य पर राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इसमें जो लोग लगे हैं इसमें जो घरेलू हिंसा में जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग एक समाज में जागरूक करा करके घरेलू हिंसा के अभियुक्तों के विरुद्ध भी एक अभियान चला करके ऐसा एक माहौल सृजित करना है कि वो लोग कानूनी तौर पर भी दंडित किया जाए, सामाजिक तौर पर भी उनके विरुद्ध एक अभियान चला करके उनको एक मैसेज देने की काम लोग करें। इसी के तहत ये आज रैली निकाली जा रही है। दलाई लामा आ रहे हैं बोधगया में, तैयारी को लेकर क्या क्या? देखिए, दलाई लामा जी आने के तैयारी हम लोग लगातार देख रहे हैं और जो दलाई लामा ट्रस्ट के संस्थान हैं उनके साथ भी हमारा बैठक हुई है और उनके मांग और उनके जो इश्यूज हैं उसको एक एक करके हम लोग समाधान कर रहे हैं और उनके सिक्योरिटी टीम भी जल्दी आएगी। उनके सिक्योरिटी टीम के साथ भी इसी सप्ताह आने के तुरंत बाद जैसे ही आएंगे तुरंत हम लोग बैठक करेंगे और उनके जो भी इश्यूज हैं और जो भी कार्रवाई करनी होगी, चाहे सिक्योरिटी हो या और अन्य प्रकार की उनके जो आवश्यकता है, सब प्रकार की कार्रवाई हम